वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दो दिन पहले लापता हुई, बताओ बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कहता, आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असंरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश से में है। सबसे ज्यादा असंरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई, बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2014 के पहले पूरे भारत की क्या दुर्गति कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, सपा बसपा ने मिलकर के। भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्थल था, पिछले सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू,